वेलकम टू अनदर शॉर्ट वीडियो। आज हम आए अपनी फेवरेट लोकेशन पे, लेक। और जो पीछे आप धूप देख रहे हो चमकती हुई, ये इतनी डिल्यूजन और डिसीविंग है मैं आपको बता नहीं सकता। आप एक बार गैस करो कि टेम्परेचर क्या हो रहा होगा अभी, एक बार गैस करो। गैस कर लिया? 0 डिग्री। 0 डिग्री है अभी, और जो हवा चल रही है वो है 26 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, जो 0 डिग्री को भी बना देती है फील्स लाइक -6, सोने पे सुहागा। तो आज हम बात करेंगे डेनिश वेदर पे और इनकी एक सेइंग पे। चलो झूठी सही धूप निकली तो, और ये मेरे डेनिश भाई लोग पता क्या कहते हैं, देर इज़ नो सच थिंग एज बैड वेदर, ओनली बैड क्लोदिंग। जैसे मैं पहले इतफाक़ नहीं रखता था, जब पूजा यहाँ पे अकेली रहती थी और मैं इंडिया में रहता था, मैं कहता था क्या ठंड ठंड करती रहती है, इतनी भी कोई ठंड नहीं होगी। पर अब मैं जब यहाँ पे आ गया हूँ तो मैं अपने हाथों का हाल दिखाता हूँ आपको, इन दस्तानों के ख़रीदने से पहले क्या हो गया था। ये देखो आप देख रहे हो, ये यहाँ से और ये यहाँ पे, मतलब मुझे दस्ताने ख़रीदने पड़ गए। मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लगती, सच कह रहा हूँ मैं, बहुत। अब मेरे हाथ अंदर से पसीने में हो रखे हैं जब मैंने ये दस्ताने पहन रखे हैं। लेकिन अगर दस्ताने ना पहनो तो ये हाल हो जाता है, देखो हाथों का। तो ये भी हार्श वेदर भी एक सच्चाई है इन देशों की। डेनमार्क में रिकॉर्डेड डिग्रीज़ में और एक्चुअल टेम्परेचर में कितना डिफरेंस होता है, ये अंदाज़ा आपको इस बात से लग जाएगा कि यहाँ के इंस्टीट्यूशन DMI ने एक कोल्ड इंडेक्स बना रखा है, जो कि आपको हवा कितनी बह रही है और कितना टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है उसके कॉम्बिनेशन के साथ और कुछ और पैरामीटर को कंसिडर करते हुए एक्चुअल टेम्परेचर बताता है, जो आपको फ़ील हो रहा है, जो आपकी स्किन पे फील हो रहा है। जैसे टेम्परेचर है 5 डिग्री और हवा चल रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, तो आपकी त्वचा पे जो टेम्परेचर फील होगा वो होगा 0 डिग्री। और टेम्परेचर अगर ऑलरेडी 0 डिग्री है और हवा चल रही है मान लो 25 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, तो वो आपको फील होगा -6। मुझे तो सोच के हॉट ठंड लग रही है। देर इज़ अ बुक रिटन ऑन दिस वेरी टॉपिक एंड विद लिटरल नेम, There is no such thing as bad weather by Swedish writer, जो दो बच्चों की माँ थी, US में रहती थी और फिर उसे लगा कि उसके बच्चे नेचर से दूर हो रहे हैं, तो फिर वो 6 महीनों की छुट्टियों पे स्वीडन आती है और अपने बच्चों को नेचर से कनेक्ट करती है। और इसमें स्कैंडिनेविया के तौर तरीके हैं, वो कैसे इतनी ठंड में बच्चों को पालते हैं, उस लेडी ने उसमें हर चैप्टर के बाद कुछ टिप्स दी हैं, हम भी पढ़ेंगे, आप भी पढ़ना कि इतनी ठंड में ये लोग बच्चे कैसे पालते हैं। और आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय। एक प्रो टिप और मेरे सिंगल भाइयों के लिए, जल्दी से जल्दी शादी कर लो, डेनमार्क आ जाओ, क्योंकि इस कड़क सर्दी में दो चीज़ें आपको और बचाएंगी, एक तो बीवी के हाथ का बना मफलर और दूसरा हाथ की बनी चाय।